जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एक अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी आशावान और संविदा कर्मी चाहे अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे रसोईया हो, चाहे नाइट गार्ड्स हो, चाहे आप किसी भी विभाग में जैसे परिवहन विभाग में कंडक्टर, ड्राइवर और भी कोई भी पद पर LDC, UDC या फिर आप शिक्षा विभाग के अंदर ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, शिक्षा मित्र और अतिथि शिक्षक, पैरा टीचर, और आप अगर स्वास्थ्य विभाग में ANM, GNM, नर्स के किसी भी पद पे या ऑफिसर के किसी भी पद पे कार्यरत हो, या फिर आप सेंटर या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में संविदा आउटसोर्स या फिर अस्थायी पद पे कार्यरत हो, तो आपके लिए खबर सबसे पहले लाई जाती है। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है संविदा कर्मी के वेतन से संबंधित। दोस्तों जैसा कि पता होगा, नॉर्मली कोई भी सरकार बनती है तो सत्ता में आने से पहले कई वायदे करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो न कि बढ़ोतरी बल्कि वो जो वेतन मिलता है वो भी कई बार कम कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, संविदा कर्मी इतना ज़्यादा काम करते हैं जिससे उनका वेतन बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो गई जिसकी वजह से संविदा कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। महंगाई जितनी महंगाई है उतना वेतन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, जिसका लेकर के संविदा कर्मी आंदोलन भी करते रहते हैं, अपनी मांगों को भी उठाते रहते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं संविदा कर्मियों की वेतन से संबंधित। तो उससे पहले एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप पहली बार पधार रहे हो तो आप एक अपने चैनल इस सब्सक्राइब बटन को जरूर चेक लीजिएगा कि ये दबाया हुआ है या नहीं है, और आप दबा दोगे तो इससे सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा और ये बेल आइकन भी जरूर चेक कर लीजिएगा, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो क्या है खबर, हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये खबर आपका 20 मई 2019 का है। जैसा कि बहुत बार कमेंट आते हैं कि सर आप इसमें डेट नहीं दिखाते, आपकी पता नहीं ये दो महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आज मैं डेट के साथ में आपके साथ में लेकर के हाजिर हूँ। तो देख सकते हो क्या है न्यूज, कम वेतन के आदेश से कर्मचारी खफा। देखते स्वास्थ्य विभाग की न्यूज है, स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के वेतन शासन स्तर से कम करने पर नाराजगी जताई गई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन कर्मचारियों को दिया जाए। संघ पदाधिकारियों ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखे और उसमें मांग भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराया जाए। वेतन कम करने का आदेश उत्तर प्रदेश के 19 राजकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में सेवा प्रदाता कंपनी की ओर से हजारों कर्मचारी अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजों में कई कर्मचारियों की तैनाती भी होनी है और चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण के महानिदेशक की ओर से 15 अप्रैल को कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे वेतन में कटौती कर दी गई। वेतन से कर्मचारी नाखुश है और नाराज है। इस नए वेतन निर्धारण से कर्मचारियों का वेतन 3 से 6 हज़ार रुपये कम कर दिया गया है और संघ के पदाधिकारी रितेश मल, मनीष मिश्र, सूरज गुप्ता आदि ने बैठक कर बताया कि विभाग में कार्यरत हजारों कर्मचारी अनुभव और योग्यता के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसके बाद भी वेतन में कटौती करना गलत है। स्टाफ नर्स का अनुबंध वे 25,569 था और खाते में 20,300 ही आ रहा है, तो वर्तमान वेतन 16,676 है। और फार्मिस्ट का 21,406, खाते में 16,700 और वर्तमान वेतन 13,688। लेब असिस्टेंट का 17,225, खाते में 12,000 और वर्तमान वेतन 9,381। कंप्यूटर ऑपरेटर 17,225 और खाते में 12,000 और 9,381 खाते में वर्तमान वेतन। और वाहन चालक के लिए आपका 17,225, 12,000 और 9,381। चतुर्थ श्रेणी के लिए आपका 15,656 और खाते में
आपका आता है 12,000 और वर्तमान वेतन 8,374। तो आप देख सकते हो न कि बढ़ोतरी बल्कि जो वेतन मिल रहा है उसमें भी कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के संविदा कर्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, कई कई संविदा कर्मी 20 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल से कार्य कर रहे हैं, उनका यही आशा रहती है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन जब ये झटका लगता है कि हमारा आपका वेतन कट गया है तो बहुत परेशानी होती है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाना चाहिए, न कि कटौती की जाए। तो ये थी खबर संविदा कर्मियों से संबंधित। अगर आप पल पल का अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।